हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करता हूं इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए। आई एम श्योर 100% आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से पूछ सकते हो। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैंने मैक्सिमाइजेशन केस लिया है। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 15x1 प्लस 10x2, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, और ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स है। 4x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 360। सेकेंड है मेरे पास 3x1 प्लस 0x2 लेस देन और इक्वल टू 180। एंड थर्ड है मेरे पास 0x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 200। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आपके पास यहां पे मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो यहां पे हमेशा जो इनइक्वालिटी साइंस होंगे वो लेस देन और इक्वल टू के टाइप में होंगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन टाइप में है तो उनको आप कन्वर्ट करके लेस देन टाइप में बना देंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेट द गिवन प्रॉब्लम इन द मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। सबसे पहले हमारे पास, अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, बट हमारे पास ये ऑलरेडी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में ऑलरेडी दी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, प्लॉट कॉन्स्टेंट ऑन ग्राफ एंड डिसाइड द फिजिबल रीजन। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है, इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, इसका क्या तरीका है? इसका यह तरीका है, रिप्लेस द इनइक्वालिटी साइन इन ईच कॉन्स्टेंट बाय एन इक्वलिटी साइन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ये इनइक्वलिटी साइंस है, इनको हमने खत्म करना है। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट, ये मेरे पास बनेगा 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 360। ये हमारे पास लाइन वन। सेकेंड हमारे पास है 3x1 प्लस 0x2 विच इज इक्वल टू 180। थर्ड हमारे पास है 0x1 प्लस 5x2 विच इज इक्वल टू 200। ये हो गया हमारे पास सेकेंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड। ओके, उसके बाद ड्रा दी स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ एंड डिसाइड ईच टाइम द एरिया फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, इन लाइंस को ग्राफ पे ड्रा करना है। उसके लिए हमारे पास सिंपलेस्ट मेथड क्या है, इनके हमने पॉइंट्स निकालने। ओके, तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पास ग्राफ है, ये मैंने लिया है x1 और ये मैंने लिया है x2। मींस जो x एक्सिस है उसको मैंने लिखा है x1, जो y एक्सिस है उसको मैंने लिखा x2। अब मैं इन लाइंस को कैसे ड्रा करूं, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा पहली लाइन को, इसको मैं 1 राम रखता हूं, 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 360। ओके, तो जो सिंपलेस्ट मेथड है इसके पॉइंट निकालने का, वो क्या है, इन दो में से किसी एक को 0 पुट करो और दूसरे की वैल्यू निकालो। मैं यहां पे पुट करता हूं, पुट x1 इज इक्वल टू 0। जब x1 0 होगा तो x2 क्या आएगा, ये आएगा 6x2 इज इक्वल टू 360। x2 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6। तो जो मेरे पास x2 है वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास 60। ओके, तो मेरे पास जो पॉइंट आया वो निकला 0 60। ओके, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आया। इसी तरह से मैं दूसरा पॉइंट इस लाइन का फाइंड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, x2 को 0 पुट करूंगा, x2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आएगा 4x1 इज इक्वल टू 360। तो x1 इज इक्वल टू 360 बाय 4, तो विच इज इक्वल टू 90। ओके, तो यहां मेरे पास पॉइंट आया 90 0। ओके फ्रेंड्स, तो इनको मैं ग्राफ पे ड्रा करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं नाम लिखता हूं, 20 20 का गैप लेता हूं मैं, 20 40 60 80
हंड्रेड, यहां से भी मैं लेता हूं 20, 40, ये आ गया 60 एंड ये आ गया मेरे पास 80। ठीक, इसको मैं आप यहां से ड्रा करता हूं। तो मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो है 060, तो 060 ये आएगा, ये वाला पॉइंट, ओके। एंड सेकंड मेरे पास है, सॉरी सॉरी गलती हो गई मेरे से, ये 060 नहीं आएगा बल्कि 060 मींस इसमें x1 0 है और x2 मेरे पास 60 है, तो वो यहां पे आएगा। देखिए यहां पे जो x2 है वो 60 है और x1 यहां पे 0 है, ओके। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 060 और दूसरा मेरा पॉइंट 90 0। तो यहां पे 90 मेरे पास यहां पे रखो सपोज, तो यहां पे मेरे पास हो गया 90 0। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लाइन ज्वाइन की, यहां पे मेरे पास जो x1 है वो 90 है और x2 0 है, यहां पे मेरे पास x1 0 है और x2 60 है, ओके। इसी तरह से बाकी लाइंस को मैं ड्रा करूंगा, इसको मैं नाम रखता हूं लाइन नंबर 1, ओके। तो मुझे क्या करना है यहां पे, देखिए एक चीज और करनी है इसमें, वो है कि जब मैं ये ड्रा करूंगा तो मैंने इसका फिजिबल रीजन भी निकालना है। तो फिजिबल रीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या मुझे बोल रही है, कॉन्स्टेंट मुझे बोल रही है लेस देन, इट मीन्स दैट जो रीजन आएगा वो लाइन के छोटा आएगा, लाइन से नीचे आएगा, ओके। तो लाइन से नीचे ये वाला रीजन आएगा, तो इस लाइन के हिसाब से ये वाला रीजन आएगा ये सारा, ओके। ये हो गया एक। अब मैं दूसरी लाइन लेता हूं लाइन नंबर 2। तो लाइन नंबर 2 मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 3x1 प्लस 0x2। तो फ्रेंड्स ये 0 है, इट मीन्स x2 हमें 0 है और यहां पे सिर्फ 3x1 है, तो मैं लिखता हूं 3x1 विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास बनेगा 180, ओके। तो यहां पे x2 मेरे पास क्या है 0 है और x1 मेरे पास क्या आएगा 180/3, ओके। तो फ्रेंड्स x1 मेरे पास आएगा 60, तो पॉइंट मेरे पास आया ये 60 एंड 0, ओके। तो या जब यहां पे मैं x1 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 0, तो x2 हमेशा 0 है। तो अब मैं ये लाइन ड्रा करूंगा, x1 मेरे पास होना चाहिए 60 और x2 मेरे पास होना चाहिए 0, तो ये यहां पे आएगा, ठीक। यहां पे x1 हमारे पास 60 है और x2 0 है, तो इसको मैं लाइन ड्रा करूंगा तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनेगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने लाइन ड्रा की जहां पे x1 मेरे पास 60 है और x2 0 है, तो इस लाइन का नाम रखता हूं मैं लाइन नंबर 2, ओके। इसी तरह से मैं थर्ड लाइन ड्रा करता हूं, तो थर्ड लाइन मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 0x1, इसका मतलब x1 मेरे पास 0 है और 5x2 इज इक्वल टू 200। तो मैं यहां पे लिखता हूं 5x2 इज इक्वल टू 200, तो x2 मेरे पास यहां से क्या आएगा 200/5, ओके। तो मेरे पास जो x2 है वो आएगा 40, दैट इज 040, क्योंकि x1 मेरे पास 0 है, ठीक, तो 040। तो 040 कहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, यहां पे फ्रेंड्स, ओके। यहां पे क्या है, मेरे पास जो x2 है वो 40 है और x1 मेरे पास 0 है, तो ये आएगा पॉइंट। तो ये भी एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, तो इसको मैं ड्रा करता हूं, इस टाइप की आएगी ये लाइन, ओके। इस लाइन का नाम रखता हूं मैं 3। तो फ्रेंड्स अब मुझे चाहिए फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है, वो कॉमन रीजन होता है जो सारी कर्व से, जो सारी लाइन से बाउंडेड हो, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए हर कर्व यहां पे हमारी जितनी भी यहां पे जो लाइंस हैं वो सारी लेस देन वाली है, मतलब इनमें जो एरिया आएगा वो हमेशा लेस देन में आएगा, क्योंकि पहला है इसमें भी लेस देन है, सेकंड में भी लेस देन है, थर्ड में भी लेस देन है। तो देखिए ये वाली जो लाइन नंबर 2 है, पहली लाइन का मैंने आपको शो करा है, सेकंड लाइन में जब हम देखेंगे तो इसमें ये वाला रीजन आएगा, ठीक, ये सारा रीजन आएगा अंदर वाला, ठीक, और जो थर्ड लाइन में है वो नीचे वाला सारा रीजन आएगा। अब फिजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है, फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जिसमें सारी लाइंस आती हैं, तो वो रीजन कौन सा आएगा,
तो फ्रेंड्स वो रीजन आएगा ये वाला रीजन, जिसको मैंने अभी डॉट किया। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इस ब्लैक पेन से जो लाइंस ड्रा की वो हर लाइन को टच कर दिए। देखो इसको भी, इसको भी, इसको भी। देखिए ये वाला लाइन इसमें नीचे आ रहा है, इसमें भी नीचे आ रहा है, बट ये लाइन में ये नहीं आ रहा है, इसमें इसको ये टच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो मैंने एरिया लिया है वो लेस देन वाला एरिया लिया है, तो ये वाला नहीं आया, इसीलिए ये मेरे पास रिमूव हो गया। यहां पे देखिए, पहली लाइन मैंने जब ड्रा की थी तब ये वाला रीजन आया था, बट जब मैंने ये दो लाइंस ड्रा की तब ये वाला रीजन नहीं आया। ओके, सो मेरे पास ये रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन होगा। जब भी आपको फिजिबल रीजन निकालना हो, आपने देखना है ऐसा रीजन जिसमें सारी लाइंस टच हो, जिसमें सारी लाइंस सेटिस्फाई कर रही हो। ओके, जो हमारे पास कांस्टेंट कंडीशन डी होती है। अब मेरे पास है स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री क्या बोल रहा है? एग्जामाइन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास एक्सट्रीमम पॉइंट्स आए, एक्सट्रीमम पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं जो कि टच कर रहे हैं, जहां पे दो लाइनें आपस में टच हो रही हैं। ओके, तो वो वाला मेरे पास पॉइंट ये है, एक ओ है, एक यहां इसको मैं रखता हूं ए, इसमें इसको मैं यहां पे रखता हूं बी, इसको मैं रखता हूं सी, और इसका रखता हूं मैं डी। तो ओ ए बी सी मेरे पास क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले ये आएगा, तो ओ मेरे पास क्या आएगा, यहां पे जीरो जीरो है, एक पॉइंट निकल गया। फिर मैंने ए निकालना है, तो ए पे हमारे पास क्या है, यहां पे तो दिया हुआ है, ए मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 60 0। ओके, उसके बाद बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे मैंने देखना है कि कौन कौन सी लाइन टच हो रही है। देखिए एक तो लाइन नंबर वन टच हो रही है, दूसरी लाइन नंबर टू टच हो रही है, तो इन दो लाइंस को मैंने लेना है और फाइंड आउट करना है पॉइंट बी। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों, क्योंकि लाइन वन टच कर रही है और लाइन टू टच कर रही है। तो जब मैं फर्स्ट एंड सेकंड को लूंगा, दैट इज 4x1 प्लस 6x2 विच इज इक्वल टू 360 एंड 3x1, क्योंकि ये 0x2 है इसलिए 3x1 इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहां से मेरे पास सिंप्लीफाई करके बी निकलेगा, तो बी मेरे पास क्या निकलता है, वो निकलता है 60 20। ओके, ये हो गया वन पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह मैं एक फाइंड करूंगा पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे कौन कौन सी लाइन टच हो रही है, तो फ्रेंड्स जो मेरे पास ये वाला सी पॉइंट है, इसमें टच कर रही है लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 1। तो इसको मैं लेता हूं, आप यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को लेता हूं, दैट इज 4x1 प्लस 6x2 विच इज इक्वल टू 360। थर्ड लाइन क्या है, 5x2, क्योंकि ये 0 है, इज इक्वल टू 200। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सी आएगा, तो सी कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास 30 40। ओके, और डी पॉइंट, मेरे पास जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट मेरे पास क्या है, वो है यहां पे 0 40। ओके, ये हो गया मेरे पास सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, कंप्यूट एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच एक्सट्रीम पॉइंट। अब हर एक एक्सट्रीम पॉइंट मैंने लेना है और उस पर मैंने कंप्यूट करनी है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, तो वो मेरे पास क्या क्या है, ओ ए बी सी एंड डी। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, एक्स वन और एक्स टू। ठीक, तो ओ मेरे पास है 0 0, बी मेरे पास आया, सॉरी ए मेरे पास आया 60 0, बी मेरे पास आया 60 20, सी मेरे पास आया 30 40, डी मेरे पास आया 0 40। ओके, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
तो फ्रेंड्स यहां से देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास है 15x1 प्लस 10x2। ओके, तो देखिए 15 × x1 मेरे पास 0 है प्लस 10 x2 मेरे पास 0 है, तो मेरे पास आंसर आया 0। इसी तरह से सेकंड मेरे पास है 15 x1 60 प्लस 10 × 0 क्योंकि x2 0 है। सेम 15 × 60 प्लस 10 × 20, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहां पे मैं लिखता हूं, आएगा मेरे पास 1100। सेम यहां पे 15 × 30 प्लस 10 × 40, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 850। ओके, इसी तरह से लास्ट में करूंगा 15 × 0 प्लस 10 × 40, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 400। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लिया। लास्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम पॉइंट दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें से मैंने क्या लेना है कि वो वाला पॉइंट्स लेने हैं जो मेरे पास क्या दे, ऑप्टिमल वैल्यू दे। अब ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मेरे पास जो एग्जांपल हो मिनिमाइजेशन है तो इनमें से मैंने मिनिमाइज वाला लेना है, अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मैंने लेना है मैक्सिमाइजेशन वाला। ओके, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज वाला है, तो इसमें से मैं जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसी को लूंगा। तो जो फ्रेंड्स मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास है 1100, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आएंगे वो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आएंगे। सो हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेंड एट, कहां पे ऑब्टेंड किया जाता है, x1 = 60, x2 = 20, और जो मैक्सिमाइज z आएगा वो क्या आएगा, मैक्स z = 1100, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।